दोस्तों एक बार फिर से हो जाइए हंसने के लिए तैयार, क्योंकि आपके लिए एक बार फिर से हम लेकर आए हैं कुछ मजेदार वीडियोस। इन लोगों की हरकतें देखकर आप हंस हंस कर लोटपोट हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले मिलिए इस पापा की परी से, जिसकी आज शादी हो रही है। जरा देखिए मोहतरमा कैसे किक करती हैं। इनके किक करने के स्टाइल को देखकर तो ऐसा लगता है कि मोहतरमा पहले फुटबॉल प्लेयर थी। मैं तो सोच रहा हूँ कि शादी के बाद इन भाई साहब का क्या होगा, कहीं इन्हें ऐसी लात ना पड़ जाए। ये दोनों मोहतरमाएं रील बनाकर वायरल होना चाहती थी, लेकिन इनसे अच्छा तो हाथी ने पोज दे दिया। दोस्तों अब तक आपने कई सारे डांस देखे होंगे, लेकिन शायद ही कभी आपने ऐसा डांस देखा होगा जैसा डांस ये कुत्ते महाराज कर रहे हैं। लगता है कि आज ये कुत्ते महाराज कुछ ज्यादा ही खुश हैं, तभी तो आज ये फुल मूड में हैं। दोस्तों कहते हैं कि पंछियों को पानी पिलाने से अच्छी बीवी मिलती है, लेकिन इन भाई साहब की किस्मत को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि इन्होंने इस बात को कुछ ज्यादा ही सीरियस ले लिया है और पंछियों को बादाम शेक पिला दिया है, तभी तो इन्हें इतनी खूबसूरत बीवी मिल गई। दोस्तों जिन जानवरों को हम घर में पालते हैं वो अक्सर हमारी कॉपी करते हैं। ऐसे ही ये भैंस टीवी पे डांस देख रही थी, जिसके बाद इसका भी डांस करने का मन करने लगा, और फिर देखिए कैसे ये भैंसिया डांस कर रही है। A few moments later. कुछ पापा की परियां ऐसी होती हैं जिन्हें जेल भी कैद नहीं कर सकती, जैसे कि ये पापा की परी। देखिए कैसे ये पापा की परी इतनी पतली सी ग्रिल से बाहर निकल रही है। अब इस परी को रोकने के लिए क्या करना चाहिए, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। दोस्तों ये बात तो हर कोई सोचता रहता है कि सरकारी नौकरी करने वालों को इतनी खूबसूरत बीवी कैसे मिल जाती है। ऐसे ही जब इस लड़की से पूछा जाता है कि तुम शादी कर रही हो, तो कहती है हाँ कर रही हूँ। शादी कर रही है, लेकिन वो तो कलवा है। काजू बादाम डालो तो हलवा भी अच्छा लगता है, सरकारी नौकरी हो तो कलवा भी अच्छा लगता है। भाई हम में से जो लोग काले हैं उनके लिए ये जरूरी है कि वो किसी तरह भी सरकारी नौकरी पकड़ लें, तभी जाकर उनको अच्छी बीबी मिलेगी। दोस्तों पापा के परियों की स्कूटी चलाने के स्टाइल से तो आप वाकिफ भी होंगे, लेकिन यहाँ सोचने वाली बात ये है कि आखिर ये पापा की परियां ऐसा कैसे कर लेती हैं और इन्हें ड्राइविंग लाइसेंस कैसे मिल जाता है। तो देखिए कैसे ये पापा की परी टेस्ट देने के लिए आई थी। यहाँ ये मोहतरमा रस्सी कूद कूद कर मजा ले रही थी, लेकिन जरा देखिए कि मोहतरमा के साथ क्या कांड हो जाता है। मोहतरमा के साथ जो कुछ भी हुआ आपने देख ही लिया होगा। नहीं 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 मैम साहब, इन लोगों ने आपको नहीं देखा। नहीं 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 देखा, पूरा देखा। दोस्तों कुछ लोगों के अंदर बहुत ज्यादा टैलेंट होता है, जैसे कि इन मोहतरमा को देख लीजिए। देखिए कैसे ये अपने पिछवाड़े से रिंग को घुमा रही है। ये लड़की ये काम बहुत आसानी से कर ले रही है। इसे देखकर ऐसा लगता है कि मानो इस काम को करने के लिए इसने बहुत ट्रेनिंग ली होगी। दोस्तों जरा इस मोहतरमा को देख लीजिए, कैसे ये मोहतरमा अपना पीठ दिखा दिखा कर डांस कर रही है। इसके डांस को देखकर लड़के बहुत खुश हो जाते होंगे, लेकिन जरा एक सेकेंड जरा इसके पीछे की सच्चाई भी देख लीजिए। भाई ये देखकर आपका भी मूड खराब हो गया होगा। दोस्तों शादियों में कई तरह के डांस किए जाते हैं, लेकिन क्या कभी आपने देखा है कि कोई लड़का कुत्ते को अपने पीठ पर उठाकर डांस करे। लगता है कि आज ये भाई साहब कुछ ज्यादा ही खुश हैं। ये दीदी पहाड़ों पर घूमने के लिए आई थी, लेकिन जैसे ही ये पत्थर से नीचे उतरती हैं, इनका पैर स्लिप हो जाता है और फिर खत्म। दोस्तों यहाँ ये बच्चा इस बॉल के साथ खेल रहा था, तभी इसकी बॉल डगरते हुए एक लड़की के पास चली जाती है। लड़की इस बॉल को उठाती है और इस बच्चे को देने लगती है, लेकिन ये बच्चा बॉल नहीं लेता है और लड़की को ही ताड़ता रहता है। इस बच्चे की हरकत को देखकर तो ऐसा लगता है कि इसे अब बॉल में नहीं बल्कि लड़की में इंटरेस्ट है। देख लीजिए कैसे ये बच्चा इस लड़की के पीछे पीछे जाने भी लगा। भाई आजकल के बच्चे तो बहुत परम है। दोस्तों यहाँ ये रिपोर्टर सांड के पास खड़े होकर रिपोर्टिंग कर रही थी, लेकिन रिपोर्टिंग के दौरान ये मोहतरमा बहुत झूठ बोल रही थी, इसीलिए इनका ये झूठ सांडों को पसंद नहीं आया। और फिर देखिए कि सांड इनके साथ क्या करते हैं। दोस्तों कुछ लोग स्टाइल मारने से बाज नहीं आते हैं, खास तौर पे पापा की परियां। ऐसे ही ये पापा की परी यहाँ बैठी हुई थी, लेकिन न जाने इन्हें क्या चुन मच जाता है कि ये नीचे कूद जाती हैं।
इनके पिछवाड़े की तो अच्छी खासी मसाज हो गई। दीदी वाह दीदी। दोस्तों अब जरा इस बच्ची की बातें भी सुन लीजिए, कैसे ये बच्ची कह रही है कि ये मैं हूँ और ये मेरे दादा हैं और हम दादा की शादी करवा रहे हैं। ये मैं हूँ, ये मेरे दादा हैं और हम दादा की शादी करा रहे हैं। दोस्तों अब जरा आप ये वीडियो देखिए। ये लड़की तो अपनी माँ से ही मजे लेने लगी, लेकिन माँ से मजा लेना इन मोहतरमा को भारी पड़ जाता है क्योंकि इन्हें चाटे पड़ जाते हैं।